हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? नमस्कार डीएमएसटी चैनल में। आप तो मैं अरुणाचल प्रदेश अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से और इंकोंग से निकल चुका हूं। अभी आपको अरुणाचल का वीडियो नहीं मिलेगा, लास्ट ये वीडियो। अभी देखिए गोबुक विलेज पहुंच चुका हूं और आप सभी के बीच अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। अपर सियांग का ब्लॉग तो नहीं मिलेगा आपको, और ट्रैवलिंग ब्लॉग दो दिन मिलेगा, उसके बाद हम बिहार का ब्लॉग दिखाएंगे आप सभी को। तो वीडियो देखते रहिए। और गोबुक विलेज पार कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का लोकेशन है और बहुत ही शानदार एरिया ये अरुणाचल प्रदेश अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत ही सुहावना इलाका है। मौसम भी शानदार रहता है, काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ पर। और ये गोबुक विलेज आपको इंकोंग से कितना किलोमीटर पड़ता है? ये इंकोंग से 20 किलोमीटर पड़ता है। तो इस जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। पासीघाट में क्या मिलता है, बीच में क्या होटल मिलेगा ना, क्या होटल पे मैं आप लोग बात करूँगा। तो बने रहिए वीडियो पर दोस्तों, और अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलेगा। चलते हैं, देखते हैं। थैंक यू। बस्ती है, इसके बाद नागपुर भी जाएगा ना। बस्ती है, मेरे को इतना जानकारी नहीं है, भाई लोग से पूछा। और चलते हैं नागपुर ब्रिज, पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं ये। और इसके बाद मरियांग वो ब्रिज भी, ये पुराना वाला ब्रिज है, यहाँ से निकलेंगे। अभी मरियांग पड़ेगा ना, इसके बाद मरियांग, और उसके बाद सियात होटल। तो बने रहिए वीडियो पर। मरियांग पहाड़ का ऊपर में है, रोड में है, नीचे में। और आज मौसम अच्छा है, थोड़ा धूप भी है और बादल भी है। देख सकते हैं ये मरियांग कितना किलोमीटर पड़ता है भाई, इंकोंग से 45 किलोमीटर मरियांग पड़ता है। एक घंटा हम लोग का बीत चुका है, और इसके बाद यहाँ होटल आएगा, शानदार ब्लॉगिंग मिलेगी, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग आज हो रहा है। तो अभी हम डामरो पहुँच चुके हैं, हमारा सामने आने वाला है। ये टर्निंग के बाद ऊपर में पहाड़ में देखिए कैसे घर होता है, और देखिए पहाड़ में आदमी लोग कैसे रहता है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। आज थोड़ी देर में आप पहुंचेंगे होटल, बने रहिए। बस्ती खत्म हो गया, आगे भी कुछ बस्ती है। यहाँ से बस्ती के रेस्ट हाउस है, ऊपर से घूमते देखिए। और एक छोटा सा ये भी बस्ती है, डामरो बस्ती का ही है। सब्जी वगैरह का भी दुकान छोटा मोटा है यहाँ, इसी टाइप का ये पहाड़ सब्जी मिलेगा। अब बस्ती इसी टाइप का होता है। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर इलाका है। देखिए खेती है, धान इसमें लगाया जाता है, अभी तो खाली है। लेकिन ऐसे देखिए पहाड़ में खेती होता है, लोग गाड़ी से ही दिखा रहे हैं आपको। कितना डेंजर रास्ता है, आपको आवाज़ तो साफ सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि गाड़ी का आवाज़ आ रहा होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको। पहाड़ी पथरीला पहाड़ी है, तीन साल का समय ले लिया था ये रोड। और ये रोड बनने से काफ़ी रोड शॉर्ट हो गया, इंकोंग जाने के लिए कम से कम एक घंटा लगता है, बन रहे हैं ना।
देखिए कितना पहाड़ था, इसको बारूद से तोड़ा गया है, देखिए कितना पथरीला है। कंपनी लगा हुआ है इसमें तोड़ने में, ये देखिए पहाड़ का बीचों बीच निकल रहा हूँ अभी। निकल गए और अभी होटल पे पहुंचेंगे। नीचे में ये हमारा सामने ये होटल है और दो होटल है और सियाज पहुंच चुके हैं बहुत ही अच्छा से, और चलते हैं होटल में क्या मिलता है खाने की जगह पे और चलते हैं। चावल सब्जी जैसे भाजी है दाल है, खाना खा कर यहाँ से निकलेंगे सियाज होटल में। तो हमने खाना खा लिया और यहाँ से निकलते हैं पासीघाट के लिए, और ये सब भाई सब लोग भी है और भाई भी है, क्या होता है। मेरा ड्राइवर है और इससे पूछना चाहूँगा कि ये कौन सा ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज है भाई। बस्ती का ब्रिज है, तो यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं, इसके आगे बस, इसके आगे बस्ती है, तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। ये पावर सिल्ली बस्ती का सिल्ली ब्रिज है और इसके आगे हमारा सिल्ली बस्ती मिलेगा। सिल्ली बस्ती का नज़ारा देखिए हमारे सामने है और अरुणाचल में ऐसा ही जो भी बस्ती है सब पहाड़ पे, इसमें समतल कमती है, समतल हाँ, ये पहाड़ी इलाका में तो आपको बराबर जमीन नहीं मिलेगा। और तो बने रहिए, चलते हैं पासीघाट मिलते हैं, पासीघाट पहुँचने का पहले पौधा उसके बाद पौधा आएगा, तो चलते हैं बने रहिए वीडियो पे। किंगकोंग रोड में किंगकोंग आते समय शानदार देखिए, ये 22 किलोमीटर सामने आप देख सकते हैं 22 किलोमीटर का ब्रिज है और इधर नाला है और यहाँ से 22 किलोमीटर पासीघाट पड़ेगा, इसको पगला नदी बोला जाता है। और ये बार बार इसमें मिट्टी ऊपर से है लेकिन इसमें आपको पानी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अचानक बारिश में इसमें कहाँ से पानी आ जाता है कोई नहीं बोल सकता। और इसका अभी रेडी नहीं हुआ है, तो यही होता है पहाड़ी एरिया में सब दिक्कत आते रहता है, बने रही है। और ये देखिए सामने यहाँ आप टहलने के लिए आ सकते हैं, शाम हो चुका है दोस्तों, 3 बजने वाला है और रोड भी बन रहा है, ये पासीघाट बनने वाले हैं, काला घाट ली जाएगा बने रहिए। प्रॉब्लम होता है पिकअप में बैठे हुए, तो इतना फेस तो नहीं आ रहा होगा वीडियो आने के लिए अच्छा से अच्छा। और आप पासीघाट थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और नाना घाट ब्रिज भी देख लीजिए आप मेरे सामने है, चलिए आ गया हमारा सामने ब्रिज, इसलिए मार दिए हम लोग और हमारे सामने सियांग रिवर है और साइड से इसका रिपेयरिंग भी हो रहा है, रिपेयरिंग भी हो रहा है दोस्तों। तो ये हमारे सामने ब्रिज पे और देखिए शाम 4 बजने वाला है, तो नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है और अच्छा भी है, सियांग का मस्ती ही अलग है। सियांग में जितना भी सफ़र करेंगे आप यहाँ पर हवा मिलेगी, पिकअप का सफ़र करने का मज़ा कुछ और है। हम लोग छोटा मोटा आदमी है तो हम लोग सपोर्ट कीजिए और बने रहिए वीडियो पर और चलते हैं, लेकिन मैं रोड पे इसे दिखा दूँगा, मैं नीचे नहीं उतर सकता, डायरेक्ट हम लोग को जाना है। ब्रिज हमारा ख़त्म हो गया और पहुँचते हैं मार्केट, ये झमड़िया मंदिर का रोड है और
और ये आप भी मारेंगे। ये वीडियो पर दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, अभी रोड भी काफी अच्छा बन रही है और चलते हैं मार्केट का उधर जाने। दोस्तों देखिए कितना अच्छा मौसम भी है और व्यू भी कितना मस्त है, तो बने रहिए वीडियो पे। মোবাইলে তো চার্জ করুন ভাই, জায়গাটা তো জানতে লাগবে না, পাশে গেলে তো আজ পাশেঘাট বন্ধ হ্যাঁ। इसके चलते दुकान खुला हुआ नहीं है, गाड़ी से जो भी है दिखा देता हूँ आपको। ये दुकान बंद है आज सोमवार को, मजा आ रहा है लेकिन यहाँ गर्मी लग रहा है दोस्तों। उधर बाहर से निकले अभी बहुत गर्म लग रहा है। ये पासीघाट है तो सोमवार को दुकान बंद रहता है। यहाँ पर दुकान बनने वाला है और हम पासीघाट जेल के पास, आपको सामने जेल दिखाई दे रहा होगा, जेल दिखाई दे रहा होगा, इधर सामने जेल है। हम लोग थोड़ा देर के लिए गाड़ी रुके हैं और यहाँ से निकलेंगे, रुक सिंह चलते रहे चलते हैं। शाम हो गया है और शाम हमें बने रहिए वीडियो पे। थैंक यू, आते हैं दोस्तों पासीघाट से और चलते हैं रुक सिंह, वहीं पे आप लोगों को दिखाता हूँ अरुणाचल का लास्ट गेट। सीन गेट पे हम पहुंच चुके हैं और ये रुकसिन गेट है और यहाँ से असम बॉर्डर अरुणाचल ख़त्म। और यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ मैं और आगे वीडियो दूसरे वीडियो में।